नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 52 है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। रेफरल कोड है तारिक सर्वर 5। इस रेफरल कोड से आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेस करने के लिए 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? चीन, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? तो उस देश का नाम बताना है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका नेपाल। नेपाल देश जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल? तो जल्दी से बता दीजिए कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो पाल राजवंश के जो आपके सर्वप्रथम राजा थे, उनका नाम है आपका गोपाल। क्या नाम है दोस्तों? गोपाल, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के मनुष्य की आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आयरिस पे, कॉर्निया पर, फेस पर या लेंस पर? तो जल्दी से बता दीजिए कि मनुष्य की आँख का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मनुष्य की आँख के रंग के बारे में, तो मनुष्य की आँख का रंग जो है ये आयरिस पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों? आयरिस पर, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका मुख्यालय है वो एक्चुअल में स्थित कहाँ है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। कब? 1945 में। और प्रत्येक वर्ष हम 24 अक्टूबर के दिन क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए कि का वर्ग के उच्चारण स्थान क्या है। तो का वर्ग का जो आपका उच्चारण स्थान है वो है आपका कंठ। जी हाँ दोस्तों, कंठ जो है वो का वर्ग का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, 14 सितंबर को, 14 मार्च को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी दिवस के बारे में, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में दोस्तों? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमरस, बांगर, रेगुर या क्रिस्टलीय? तो जल्दी से बता दीजिए कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी को अन्य रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांस भी हैं। तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? संयुक्त प्रांत, इंद्रप्रस्थ, श्याम या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश के अगर हम पुराने नाम की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है आपका संयुक्त प्रांत, यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की, ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, झांसी या प्रतापगढ़? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपका
लखनऊ में, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक आम होता है दशहरी आम, ये बहुत ही अच्छी किस्म का आम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपका दशहरी आम है वो लखनऊ के मलियाबाद में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? मलियाबाद। ये क्वेश्चंस यूपी लेखपाल में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका देख लो, सिंपल आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस है। 10.77 6.59 + 2.26 का मान बताइए। ये नाम लिखा है तो आप इसे मान कर लीजिए, कभी कभी हो जाता गलती। तो इसका जो एक्चुअल में जो सही आंसर आएगा, आंसर आप सभी लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सही आंसर आप ही लोग बताएंगे, इसका जोड़ना है, इतना भी नहीं कर पाओ तो फिर क्या फ़ायदा। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, इसमें से आपका ऑड क्या है? हाइलाइटर, हथौड़ा, शार्पनर या पेंसिल। तो देखो, हाइलाइटर हो गया, शार्पनर हो गया और पेंसिल हो गया, ये सब स्टेशनरी के सामान है, लेकिन हथौड़ा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि अगर हरे को पीला कहा जाता है, पीले को लाल, लाल को सफ़ेद, तो टमाटर का रंग कौन सा होगा? देखो, एक्चुअल में टमाटर का रंग कौन सा होता है? टमाटर का रंग होता है आपका लाल, और लाल को हम किस नाम से जान रहे हैं? लाल को हम सफ़ेद कह रहे हैं, तो बस टमाटर का रंग सफ़ेद हो जाएगा, काम ख़त्म। समझ रहे हैं? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बदनामी होना, इज्जत करना, नाक से खून आना, या इनमें से कोई नहीं। तो नाक कटना मुहावरे का जो आपका सही अर्थ हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका बदनामी होना, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, ये हमसे पूछा गया है? राहट, हट, आहट, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि घबराहट में एक्चुअल में कौन सा प्रत्यय होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें घबराहट की, कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आहट प्रत्यय, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। अगर 15 240 से संबंधित है तो 20 किससे संबंधित होगा? देखा, 15 का स्क्वायर करो कितना? 225। 15 ही जोड़ दो, 240 हो गया। 20 का स्क्वायर करो, 400। 20 ही जोड़ दो, कितना हो गया? 420। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 420 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये आपका जो क्वेश्चंस है वो किसका है? सिंप्लीफिकेशन का है। अच्छा, ये 4 और 3 के बीच यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, मल्टीप्लाई का। तो देखो, सबसे पहले तो बोर्ड मास के हिसाब से क्या होता है? डिवाइड होता है, तो डिवाइड करो, 6 5 30। अब क्या कर दो? मल्टीप्लाई, 4 3 12, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 12। 12 और 5 कितना हो जाएगा? जल्दी से जोड़ दो, 17। 17 में से 4 घटा दो, कितना आ गया सिंपली वे में? 13। बस मौके की होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो तद्भव शब्द को छाटिए, देख लीजिए टेस्ट की खासियत क्या है। मैथ भी मिल रही, रीजनिंग भी मिल रही, हिंदी भी मिल रही, जीके भी मिल रही, सब मिल रहा, समझ रहे हैं? तो अगर आपको टेस्ट थोड़ा भी पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो तद्भव इसमें से कौन सा शब्द हो जाएगा? तो जो आपका कपूर है वो एक तद्भव शब्द है। कौन सा दोस्तों? कपूर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उड़न, पतन, अर्ध या ध्रुव। तो उत्थान का हमको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो उत्थान का विलोम शब्द होगा आपका पतन। क्या होगा दोस्तों? पतन, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के, उच्चतम प्रवृत्ति का कोयला कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स या एंथ्रासाइट। तो उच्चतम प्रवृत्ति के कोयले के बारे में अगर हम बात करें तो उच्चतम प्रवृत्ति का कोयला है आपका एंथ्रासाइट। कौन सा दोस्तों? एंथ्रासाइट जो है वो उच्चतम प्रवृत्ति का कोयला है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 जून, 7 अप्रैल, 4 जून या 4 जुलाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं? जल्दी से बता दीजिए, 7 अप्रैल को मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको करा दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चंस है वो ये रहा आपके सामने। एशियाई खेल 2018 का आयोजन किस देश में हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। भारत देश में, चीन देश में, जापान देश में या इंडोनेशिया देश में। और एशियाई खेलों में भारत की पोजीशन और कितने पदक जीते, ये और बता दोगे तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा फिर। तो समझ रहे हैं?
तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।